No. Yes. Good. तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉमेनक्लेचर का मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेमिंग। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिखा था क्या बेटा, यस सेकेंडरी प्रीफिक्स राइट ना, बहुत ध्यान देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर है। देन फॉलोड बाय वर्ड, यस प्राइमरी प्रीफिक्स देन फॉलोड बाय वर्ड वर्ड रूट है ना। हाँ, वर्ड रूट आफ्टर दैट व्हाट विल आई हियर, प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी, प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स ठीक है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है, प्यारा सा एग्जांपल लिया था मैंने। यस आई डोंट नो वेयर इट इज, इसमें दिस इज बी आर एंड हियर इज व्हाट ओ एच, इज इट क्लियर। सी फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द नंबरिंग, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप राइट ना। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है, कि किसको प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखना है किसको नहीं। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे बेटा हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठीक है। नाम क्या होगा इसका, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, पहले दिस इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो कभी भी नेम के पहले हम क्या लिखते हैं, पोजीशन, कौन से नंबर पे है, 4 पे है, व्हाट द रेट यार, अरे ठंड रखो ठंड रखो, 4 ब्रोमो। हाँ ओएस से स्टार्ट किया था फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी ये सेकेंडरी है, मेन प्रायोरिटी ऑर्डर बताते, दिस इज द मेन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और ये प्राइमरी होगा राइट ना। मैं बताऊंगा अभी कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर करते हैं। अरे हाँ, 4 ब्रोमो देन इज व्हाट, साइक्लो हेक्स एन राइट ना, ई हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो फिर ऑल कौन से नंबर पे, 1 पे है राइट ना, 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 1 ऑल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज, 4 ब्रोमो। अब ये जो 4 ब्रोमो है, अब यहाँ पे जरा सीक्वेंस देखो फटाफट, 4 में ब्रोमो जो है वो क्या बेटा यहाँ पे राइट है ना, साइक्लो क्या हो गया मेरे पास प्राइमरी, हेक्स क्या हो गया वर्ल्ड, फिर एन क्या हो गया यहाँ पे और ऑल क्या हो गया, दैट्स ऑल क्लियर। बोलो अब यहां से हमारा पूरा का पूरा पिक्चर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। अब ध्यान से देखो और पूरी कहानी को अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग ठीक है, पूरा देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है, तो अभी सुनो, लिसन लिसन, फर्स्ट हम लोग सिंपल अल्केन की बात करते हैं, फिर अल्केन की, फिर अल्काइन की, फिर सारे फंक्शनल ग्रुप मिक्स करेंगे राइट ना। पहले अल्केन की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों क्लियर।
देखना नेमिंग कैसे करते हैं, मजा आएगा आपको। मैंने आपको बता दिया था कि कितने टाइप के अल्काइल ग्रुप होते हैं, मैंने अल्काइल का नेमिंग बताया था ना आपको लास्ट टाइम, टेबल दिया था अल्काइल ग्रुप का, सारे रॉ मटेरियल्स मैंने दे दिए आपको। यस 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 ठीक है, चलिए तो पहले इसके हम लोग नेमिंग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आगे। अब पहला ही कंपाउंड ले रहा हूं मैं, बस देखो क्या क्या रूल इसमें अप्लाई होते हैं, मैं रूल एक साथ बताता हूँ और आपको बताता हूँ नेमिंग। हाँ सुनो, फर्स्ट रूल है सिलेक्शन ऑफ चेन, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। अब डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल और नॉमिनेशन एक साथ लेके चल रहा हूँ, अब अभी बड़े हो चुके हो आपको आएगा। सुनो, चलिए ये साथ में एग्जांपल लिखो, CH3 CH2 CH, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CH3, देन इट इज व्हाट CH2, देन इट इज व्हाट CH2, देन इट इज व्हाट CH3। चलो अब इस कंपाउंड का बेटा हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल देखूंगा। हाँ लिखो 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 लिखो, आप सब लोग लिख लो, पहले नोटबुक पे लिख लो फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ नोटबुक पे लिख लो तो इजी रहेगा समझना और फिर नेमिंग करना। हाँ हवाई कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग। चलिए यहां से स्टार्ट करते दोनों को। हाँ सबसे पहला रूल होता है सेलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, राइट। कभी भी नेमिंग में सबसे पहले हम ऐसा चेन सेलेक्ट करेंगे जो सबसे लंबा हो, राइट, और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सबसे लंबे चेन का रूल क्या होगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी चांसेस आर हियर। देखो एक तो ये हो सकता है कि मैंने यहां पे लिया वन, देखो यहां पे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6। दूसरा चांस है 1 2 3 4। तीसरा चांस है 1 2 3 4 5। तो कैसे भी मिला के देखा जाए तो 6 वाला लंबा है मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने एज अ पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। पहले मैं एकदम सिंपली आपको क्या क्या रूल होता है वो बता रहा हूं आपको, राइट। तो जो बच गया वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, या तो फिर क्या कहेंगे इसको, ब्रांच। इज इट क्लियर, बोलो। ये कैसा हो गया मेरे पास, पैरेंट चेन हो गया, पैरेंट चेन। इज इट क्लियर। और ये क्या हो गया मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अच्छा पैरेंट चेन में कितने कार्बन है मेरे पास, 6। 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन, बोलो। सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, और यहां पे आपको पता है ये क्या हो रहा है, मिथाइल है, राइट। तो मेरे पास ब्रांच हो गया मिथाइल का और पैरेंट चेन हो गया हेक्सेन। दो बातें समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, राइट। तो दिस इज द सेकेंड रूल, नंबरिंग। तो इन केस ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर ब्रांच कम एट द नियरेस्ट पोजिशन। जिस साइड में ब्रांच नजदीक आएगा जिस साइड से, उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये, अब देखो यहां पे सुनो, यहां से मैंने स्टार्ट किया तो 1 2 3 पे ब्रांचिंग आ रही है, और यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 पे ब्रांचिंग आ रही है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, लेफ्ट टू राइट, इज इट क्लियर। तो वी स्टार्ट दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। अब थर्ड रूल, ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ ब्रांच, क्लियर। ब्रांच में नाम लिखने के पहले हम उसका क्या देते हैं, पोजीशन, किस लोकेशन पे वो ब्रांच है, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं, कौन से नंबर पे, यहाँ पे थर्ड पे है, सो व्हाट वी राइट हियर, 3। आफ्टर नंबर वी गिव दिस हाइफन ए डैश, राइट। देन फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, बीच में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा। सी ऑल रूल्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी रूल, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग विद द एग्जांपल, सो पे योर अटेंशन हियर।
इंस्टेड ऑफ रबिंग एवरीथिंग, लिसन प्रॉपरली, सुनो ना, 3 माइनस माइनस नहीं है सॉरी, 3 डैश, सुनो, 3 डैश मिथाइल, दिस बिकम व्हाट, मिथाइल CH3 क्या हो गया बेटा यहाँ पे, मिथाइल, एंड दिस इज व्हाट, हेक्सेन, हेक्स और एन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं रहेगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। दिस इंडिकेटिंग व्हाट, दिस नेमिंग इज व्हाट, वन वर्ल्ड। इज इट क्लियर? नाउ वी विल ट्राई द सेकेंड वन। हाँ ओके ओके, चलो जल्दी करो सेकेंड वाला। सेकेंड वाला ट्राई करेंगे। चलो एक बार देखो सब लोग खुद से, मैं फिर डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने भी लिखा है ना, ट्राई करो। सॉरी आई एम सॉरी, दिस शुड बी CH3। अब चलो चेक करें। अब इसमें 2 रूल और बताऊंगा मैं। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना सोच रहे हो। मैंने क्या बोला, फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। चलो पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा चांसेस क्या है, 1 2 3 4। नेक्स्ट चांस क्या है, 1 2 3 4 5 6। और एक चांस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन, समझा? वन अदर क्या कहना चाह रही हो? ये देखो, ये पूरा मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन राइट ना बेटा। ये अगर लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो मेरे पास सब्सिक्वेंट क्या हो गया, ये हो गया एक और एक ये हो गया। इज इट क्लियर? बोलो ना। हाँ युग पुरुष, गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यहाँ पे दोनों, ये क्या है मेरे पास बेटा, मिथाइल है, इसका नाम क्या है, मिथाइल, और ये क्या है मेरे पास, इथाइल। पैरेंट चेन कितने कार्बन हो गए, 7, हेप्टेन, गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब हम सब मिला के नेमिंग करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे बेटा। नंबरिंग कहां से होगा, जहां से ब्रांच नजदीक होगा। चेक करो, 1 2 3 4 पे आ रहा ब्रांचिंग, यहां पे 1 2 3 पे आ रही ब्रांचिंग। तो वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इज इट क्लियर? समझा ना? यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे हो रहा है, और यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 पे हो रहा है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। नहीं, रुको ना रुको ना रुको ना, थोड़ा ठंड रखो। इतना क्या बौखला रही हो? सुनो,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान सुनो। मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कौन से? मिथाइल और इथाइल। तो ड्यूरिंग राइट द नेम ऑफ दिस ब्रांचिंग, फर्स्ट वी कंसिडर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो ई पहला आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन एम आता है, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे, लोकेशन कुछ भी होने दो। अब मेरी बात बताओ जरा से सुनो, इथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है यहाँ पे? फोर पे। और मिथाइल किस पे आ रहा है? थ्री पे। नेमिंग देखो कैसे अरेंज कर रहा हूं, लिसन प्रॉपरली। क्या लिखूंगा? पहला फोर डैश ई कैपिटल लेटर, राइट, इथाइल अगेन डैश, क्योंकि नेम के बाद फिर से नंबर देने वाला हूं मैं। थ्री अगेन फिर नेम लिखने वाला हूं फिर डैश, देन इट इज व्हाट? मिथाइल, एम शुड बी स्मॉल लेटर, बोलो हाँ। एंड फाइनली हेप्टेन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। श्योर युग? श्योर? चलो हाँ? अरे अभी तो आज पूरा 2-3 घंटे यही कराना है मुझे, अभी तो ऐसा बहुत कराने वाला हूँ, यही मैं कराने वाला हूँ। हाँ? क्या नहीं करना? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, ये क्योंकि वर्ड वन वन वर्ड में हम लोग कंसिडर करते हैं इसको। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखो, थर्ड 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 लिसन। चलो मेरे साथ राइट दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। चलो दो एग्जाम्पल और लिखता हूँ, आप ट्राई करेंगे ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। सुनिए ना, लिखिए। आ जाओ मेरे बेटा, कहाँ थी तुम, कब से इंतजार कर रहा था मैं, तीन नाम बता चुका मैं। नहीं अभी तो सिंपल वाला दे रहा हूँ, अभी तो एकदम प्राइमरी स्टेज, अभी तो आप लोग एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, फिर तो खतरनाक वाला तो मैं दूंगा ना बाद में। आ जाओ, बांद्रा से आ रहा है, गुड बॉय। मुझे कैसे पता चला बेटा? नहीं तेरा शरीर भले यहाँ पे, तेरा दिल और दिमाग तो बांद्रा में रहते हैं। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। चलो बड़े जल्दी से एग्जाम्पल लिखो, इसका डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, ये भी रिकॉर्ड होगा आपका कि आप बांद्रा रहते हो। चलो 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 ट्राई करो। नाउ आई हैव गिवेन एक्सप्लेनेशन टू राइट द नेम, राइट ना? मैंने अभी चार रूल पे डिस्कस किया, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ चेन, सेकेंड नंबरिंग, थर्ड राइटिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लियर? अब मुंडी का फिर ट्राई करो। यस अभी देखो फोर टू रूल है, अगर बहुत सारे चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन रखते हैं तो उसमें से वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो।
सर पहली बार देख रहा हूँ ना, क्या नाम तुम्हारा? देवांग। तो 11 में भी 12 में हो? कब का गया था? 10th में? तो कहाँ क्या था ये? अच्छा तो चलो सुनो बेटा, यहाँ पे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं है हाँ। अरे देखो ये डिपेंड करता है ना, देखो मुझे कितना मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ट्विस्ट करेंगे, आपको चैलेंज दूंगा, आपको नहीं आएगा मुझे खुशी होगी, क्योंकि तो मैं बताऊंगा ना। मैं बता दूं, मैं आता हूं। हाँ सुनो सुनो, देखो अभी थर्ड वाला देखो, यहाँ पे सुनो बहुत ध्यान से, देखो तुम ध्यान नहीं दे रहे इसलिए तुमको नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ और काम कर रहे, तेरा दिमाग बस कनाडा जाने का है। कनाडा जा रहा है? कहाँ जा रहा है? यूएस? कनाडा जा रहा है भाई ना, तेरा ध्यान कनाडा में। ठंड रख बताने दो मुझे। सुनो ये देखो यहाँ पे, ये वाला अगर मैंने मैंने पहले सेलेक्ट करना है चेन, देखो 1 2 3 4 5, या तो फिर मैं ले सकता हूँ 1 2 3 4 5, या मैं ले सकता हूँ 1 2 3 4 5, एनी हाउ 5 कार्बन ही आ रहे हैं। अब सारे 5 कार्बन आ रहे हैं तो मैं कोई भी सिलेक्ट करूंगा, अगर ये वाला मैंने कर लिया, सपोज ये वाला कर लिया, तो कितनी ब्रांचिंग हो रही है? 1 2 3। मैंने ये वाला कर लिया तो भी ब्रांचिंग 1 2 3 हो रही है, मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो भी ब्रांचिंग 1 2 3 हो रही है, तो कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब समझ में आई मेरी बात? तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, मुझे दिल किया मैंने ये वाला कर लिया लंबा वाला। अब अगर ये मैंने मेन चेन ले लिया तो जो बचा कंपाउंड वो क्या हो गया मेरे पास? सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ब्रांच हो गए, राइट ना? तो दो काम तो मेरा बहुत ईजी हो गया, और यही दो काम मेन इंपॉर्टेंट है नॉमिनल में, इसके बाद तो बाकी के काम थोड़े ईजी हो जाते हैं। और सिलेक्शन ऑफ चेन, राइट ना, ब्रांचिंग। अब नंबरिंग, सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? नंबरिंग, फ्रॉम विच साइड वी स्टार्ट द नंबरिंग। देखो अब ध्यान से मेरी बात समझ, इसी को बोलते हम लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते बेटा यहाँ पे? लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये कौन सा रूल होता है? जैसे देखो यहाँ पे सुनो सुनो ध्यान से, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं कहां पे जा रहा हूं? लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, राइट ना? तो कौन कौन से नंबर पे ब्रांचिंग आ रहा है? यहां पे किया मैंने 1 2 3 4 5, एक एक रूट पहले देखो ध्यान समझो। तो बेटा 2 पे 2 ब्रांचिंग आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस 2, और एक ब्रांचिंग कहां पे आ रही है? 4 पे आ रही है, तो लिखूंगा +4। क्लियर है ना? 2 पे 2 टाइम्स ब्रांचिंग आई ना, मैंने लिखा 2 प्लस 2, और एक ब्रांचिंग कहां पे? 4 पे, तो मैंने लिखा +4। टोटल ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट अगर आता हूं, मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं यहां से, क्योंकि नंबरिंग देखो मैंने बोला कि उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक होता है, तो ब्रांच तो इस साइड से भी सेकंड पे और इस साइड से भी सेकंड पे है, राइट ना? तो मैं अगर राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं तो क्या मैं काउंट करूंगा? अब राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो ब्रांचिंग कहां पे आ गई? 2 पे आ गई, और 4 पे 2 टाइम्स आ गया, तो ये तो 10 हो गया। तो जिसका एडिशन कम होगा दैट इज द राइट चॉइस, यही होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, राइट ना? तो मतलब हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से ब्रांचिंग की जो एडिशन है, ब्रांचिंग के जो पोजीशन का एडिशन है वो क्या होता है? कम आता है। क्लियर? क्योंकि दोनों जगह से सेकंड पे आ रहा है ना। और गेटिंग माय पॉइंट? कंफ्यूजन क्या है मेरे पास? मैंने आपको सिखाया था कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक होता है,
मेरा लेफ्ट से जा रहा हूं तो भी ब्रांच सेकंड पे आ रहा है, राइट से आ रहा हूं तो भी ब्रांच सेकंड पे आ रहा है, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मेरे जो एडिशन हो रहा है ब्रांचिंग के पोजीशन का वो 8 आ रहा है, और राइट टू लेफ्ट जाने को कितना रहा है 10, तो 8 वाला राइट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट लोवेस्ट लोकेंट रूल, इज इट क्लियर। तो मेरा लेफ्ट टू राइट राइट है, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो ब्रांच कौन कौन से नंबर पे बेटा, सेकेंड पे और क्या है फोर पे है। जितनी बार अगर सिमिलर ब्रांचिंग है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, कितनी बार है 3 टाइम्स है, राइट। तो सारे मिथाइल का नेमिंग मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा, जस्ट बी राइट व्हाट ट्राई, 2 टाइम्स है तो डाई, 3 टाइम्स है तो ट्राई, 4 टाइम्स है तो टेट्रा, 5 टाइम्स है तो पेंटा, हेक्सा, एक्सेट्रा, क्लियर। बट वी हैव टू शो देयर पोजिशन, देयर लोकेशन। जैसे देखो कैसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान पे, ध्यान दो यहाँ पे, 2 पे 2 टाइम्स मिथाइल राइट ना, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 2,2, और एक बार कहां पे 4 पे है, कॉमा 4 डैश, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, ट्राई मिथाइल पेन, इज इट क्लियर, समझ में आया क्या, बोलो वेदांग देवांग, सॉरी तो इस क्लास में सबसे पहला स्टूडेंट जो था वो वेदांत था, अभी भी उसका नाम होगा कहीं भी ग्रुप में, इसलिए मुझे वही याद आ रहा है। सॉरी ठीक आदित्य किसके बारे में सोच रहे हैं, तो नॉमिनक्लेचर के बारे में सोच, खाली है तो सुनो बेटा, आपने नाउ अगेन विल सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। देखो सुनो बेटा, यहाँ पे मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या है, यही ले लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा मेरे पास, राइट है ना। बाकी क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया, सही है, क्या बात है, डेकोरेटेड स्टडी। नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग आ रहा है, और राइट टू लेफ्ट गया तो कहां पे आएगा, थर्ड पे, तो कौन सा राइट चॉइस है, बहुत अच्छा, समझते चलो लिखते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखना इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग बेटा, वी राइट हियर 2,5,6 - ट्राई, 3 टाइम्स है ना, देन किसकी ब्रांचिंग है बेटा यहाँ पे, मिथाइल की, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 8, तो इट बिकम व्हाट, ऑक्टेन, युग, जाते रहो, समझ में आ रहा है ना, बोलो यार,
हाँ सर। गुड। समझ में आ गया आपको? आगे चले, चलिए लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, सर एक मेरी तरफ से प्यारा सा क्वेश्चन है, फिफ्थ वन। चलिए लिखिए साथ में, सी एच सी, एकदम छोटा छोटा प्यारा प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसमें आप मास्टर हो जाओ, फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ाऊंगा मैं। हाँ एकदम ताजा ताजा भाप नहीं निकल रहा देखो। एकदम फ्रेशली प्रिपेयर है, देखो ना एकदम भाप निकलता है वो क्वेश्चन। चलो बताओ, इसमें ट्राई करो बेटा, बहुत ही लजीज क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बिगिनर्स कर दो बिंदास करो, क्यों नहीं। ठीक है चलो ट्राई करें, क्या आप कर रहे हो? करो 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 करो, कोशिश करने वालों की हार होती है। ऑर्गेनिक में यही होता है कि मुझे लगता है कि मैं राइट हूं, मुझे आता है, और वहीं पे मार खा जाते हैं, नहीं आता है। गुड, यू गुड, आज का सेंड तू ले गया बेटा। बेटा ये है लॉन्गेस्ट चेन, लिसन लिसन, वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। या ऐसा भी हो सकता है सीधा वाला। हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 2 काउंट करेंगे बेटा, C2H5 है। अरे तब कहां से हो जाएगा, तब तो 7 हो जाएगा ना, 1 2 3 ऊपर से ना। हाँ वो चलेगा, सेम है, बोथ वन इज सेम। देखो ये वाला भी ले सकते हो या ये वाला भी ले सकते हो, राइट ना। यस, इसको मैं आपको बताया था, बचपन में बता दिया था, इसको सीएस बताया था सच्ची में। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं CH2 और CH3, ऐसा लिख सकते हैं ना, समझ में आया क्या, राइट ना, दैट्स वाई। अब देखो यहाँ पे सुनो बच्चों, मेरे पास ब्रांच क्या हो गया, एक तो मिथाइल हो गया और एक क्या हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है ना। चलो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, अब दर्द हुआ, सुनो सुनो सुनो, अरे ठाट, अरे बता तो लेने तो मुझे प्लीज, मैं नहीं करता, आपको पता है कितने बार से। सुनो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास CH2 हो गया बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो एकदम, एक और रूल आ रहा है यहाँ पे,
एक और रूल आ रहा है, ये मेरे पास चेन हो गया, ठीक है। नंबरिंग में यहां से अगर किया, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां से किया तो 1 2 3 पे ब्रांचिंग आ रही है, और यहां से किया तो 1 2 3 पे आ रही है। लोएस्ट लोकेट रूल सेम आएगा, लेकिन 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 दर्द कहां पे है? यहां पे है। ये मेरे पास मिथाइल है और ये मेरे पास क्या है? इथाइल है। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इथाइल नजदीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दे देंगे। अगर दोनों साइड से सेम लोकेशन पे आ रहा है, देन अगर सपोज मिथाइल मेरा सेकंड पे होता तो मैं इधर से ही करता। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मिथाइल सेकंड पे होता तो मैं यहीं से करता नंबरिंग, लेकिन मिथाइल भी थर्ड पे और इथाइल भी थर्ड पे है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? इथाइल को। एक बार में सुनो ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा तो या एबीसीडी। समझ में आया? सुनो मैं, सुनो क्या बताया था मैंने, बोला बेटा यहाँ पे कि अगर सपोज मिथाइल मेरा यहाँ पे होता सेकंड पे, तो मैं यहीं से करता, क्योंकि सेकंड पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे थर्ड पे ब्रांचिंग है, तब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखता। ए रुको, अरे मुझे बताने तो दे उसको, तुम रुको। हाँ देखो, अब यहां से मैंने किया तो मिथाइल भी थ्री पे आ रहा है, इथाइल भी थ्री पे आ रहा है। इधर से किया तो 1 2 3 पे इथाइल है, यहां से 1 2 3 पे मिथाइल है, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। ई e. अब समझ में आ गया? हाँ पिल्ले बोलो, आंसर मिलना क्या है, वो तो आ ही जाएगा उस पर। कौन सा कम? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तुम्हारा कमाल है, तुम छोड़ के आइयो पूजा ना। चलो अब इसको अरेंज कर देंगे बेटा। नंबरिंग कहां से किया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्टिंग में कोई शॉर्टकट मत करो, आराम से लिख के सिस्टमेटिक करो, राइट ना। एक बार अब बैठ गया दिमाग मेरे सब कुछ, तो फटाफट करने लगूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो पहले हमें इथाइल ही लिखना है। कौन से नंबर पे आ रहा है? थ्री पे, तो मैं लिखूंगा 3 डैश फर्स्ट लेटर इथाइल कैपिटल, देन अगेन डैश 6 डैश मिथाइल स्मॉल लेटर। बोलो, गुड, आई होप अंडरस्टूड, सही बेटा। चलो एक और दो छोटा सा। चलिए एकदम लजीज क्वेश्चन आपके लिए, चलो ये ट्राई करो बेटा, एकदम दिल से ट्राई करो, नहीं आएगा दिमाग से करो, आ जाएगा दिमाग से करो। CH3 CH क्या भूमिका? फिर तो एक ही चीज बचता है, पहले लिखो इसको। हाँ ये देखो क्या लजीज क्वेश्चन बना, एकदम मस्त। अब ढूंढो इसमें लंबा वाला कौन है, मजा ही आ जाएगा। ये लो 7th भी दे रहा हूँ, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा। रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे नॉर्मल कैसे, तो आपको आना चाहिए।
ये सेवेंथ वाला स्ट्रक्चर कुछ याद आया तुम लोग को? मैंने ये बनाया था ना, यही है ना? हाँ ठीक तो ट्राई करो, ट्राई करो। नो, 10 मिथाइल। If methyl is closer position, then give the preference to the methyl. Start numbering from that side. If methyl and ethyl both present at the same position, then give the preference to ethyl. Understood? कुछ नहीं समझा? अरे वही तो बता, एक ही चीज तो 5 बार पूछ रही है। नहीं, मैंने बोला कि मिथाइल और इथाइल में अगर मिथाइल नियरेस्ट पोजीशन पे आ रहा है तो वहां से नंबरिंग करेंगे, लेकिन लेकिन मिथाइल और इथाइल दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं दोनों साइड से, तो हम लोग इथाइल को प्रेफरेंस देंगे। बोलो कौन सा? तो किसके? हाँ तो क्या चाहिए तुम्हें अभी तो बता, वो तो बताऊंगा सबको ना, ट्राई करने दो। हाँ वो जो कह रही है उसको कहने दो, क्योंकि वो समझ के कर रही है अपने हिसाब से, है ना? गुड। अब देख, मैंने क्या बोला? अरे तो
चलो ट्राई करें, देखें कौन सा इसमें लॉन्गेस्ट चेन बिठाया हो। सुनो सुनो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है सिक्स वाले में? मुझे लग रहा है कि ये वाला होगा शायद। कौन सा लिया आपने? हाँ चलेगा वो भी, मतलब वही है सेवन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगा राइट ना। ब्रांच क्या क्या आ गया मेरे पास? सुनो, ये ब्रांच आ गया, ये ब्रांच आ गया, ये ब्रांच आ गया और ये ब्रांच आ गया राइट है ना। अब चलो ट्राई करते हैं नंबरिंग का, ठीक है। कहाँ से करेंगे? देखो वहां यहां से किया तो 1 2 3 पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा है, यहां से किया तो 2 पे ही हो रहा है, तो वी गो फ्रॉम दिस साइड राइट ना। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, नेमिंग लिखते समय पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। कौन से नंबर पे? 3 पे। क्या होगा नाम? इथाइल डैश 2 3 और क्या हो गया बेटा? 4। सॉरी टी स्मॉल रहेगा, ट्राई मिथाइल एक्सेल, ठीक है। सेवेंथ वाला ट्राई करो। गुड, क्या आया? एक्सीलेंट, गुड। ये देखो इसमें कोई भी लंबा वाला चेन ले लो, ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। बाकी क्या हो गया बेटा? ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया और एक ये ब्रांच हो गया। नंबरिंग कहीं से भी करो सेम पोजीशन पे आएगा, चाहे इधर से चाहे इधर से राइट ना। देखो 1 2 3 पे ब्रांचिंग, 1 2 3 पे ब्रांचिंग, कहीं से भी कर लो। ये हो गया 1 2 3 4 5 राइट ना। अब ये दोनों क्या हो गए? इथाइल इथाइल हो गए, बोलो तो कौन से नंबर पे है? 3 पे, 3,3 डाई मिथाइल और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? पेन टेन, अंडरस्टूड? गुड गुड वेरी गुड। एट्थ वाला ट्राई करो, नाइन्थ वाला ट्राई करो, टेंथ में लिख के देता हूँ। कौन सा बेटा, कहाँ मैंने रॉन्ग लिखा? अरे है सब 3 है, रॉन्ग है। अरे नहीं, देवांग ट्राई करो। हाँ देखो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस चेन। जैसे देख यहाँ पे देखो, इसमें बहुत सारे चेन हो सकते हैं। देखिए एक ये वाला भी हो सकता है चेन राइट ना, एक ये वाला भी कंटिन्यूअस चेन हो सकता है, एक यहां से यहां पे भी हो सकता है, एक यहां से किया तो यहां पे भी हो सकता है राइट ना। तो हमें कौन सा चेन लेना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो? जैसे देखिए यहां से लिया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बाकी सब में 6 6 आ रहा है, तो ये वाला चेन ले लेंगे हम लोग। चलो ले लिया मैंने, ये लॉन्गेस्ट चेन ले लिया मैंने राइट ना। अब लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो बचा वो सब क्या है? ब्रांच है, ठीक है। तो क्या क्या ब्रांच है मेरे पास? ये देखो मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये क्या हो गया? इथाइल, और ये क्या हो गया? मिथाइल, ठीक है। अब देखो सुनो एक बात ध्यान से, जो तुमको नहीं पता है वो बता रहा हूं मैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते तो क्या हो जाता है? अल्काइल। जैसे मीथेन में क्या होता है? CH4। CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो गया? मिथाइल। तो इसका नाम क्या है? मिथाइल CH3। ऐसे C2H5, इसका नाम क्या होगा? इथाइल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है मेरे पास? मिथाइल। ये क्या है मेरे पास? इथाइल।
समझ आ रहा है? अब समझ आ गया ये? अब देख, अब मुझे क्या करना है, नंबरिंग करना है, समझ आया? तो देखो, नंबरिंग का मतलब मैं इस साइड से स्टार्ट करूं या फिर से? अरे देखो, अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 1 2 पे ब्रांचिंग आ रहा है, राइट ना, और राइट से आ रहा हूं तो 1 2 यहां पे भी ब्रांचिंग आ रहा है सेम पे। लेकिन अगर इस साइड से मैं गया तो 2 पे 2 बार आ रहा है, 2 पे 2 बार, 2 टाइम्स आ रहा है, 1 बार 3 पे आ रहा है और 1 बार किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। मैं इसको ऐड करूंगा, कैसे ऐड करूंगा, सुनो ध्यान से। 2 पे कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, राइट ना, 1 बार कितनी कहाँ पे आया, 3 पे, और 1 बार किस पे आया, 5 पे, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 आया, 12 आ गया, राइट ना। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं तो कहां पे आ रहा है ब्रांचिंग, 2 पे आ रहा है 1 बार, फिर किस पे आ रहा है, 3 4 4 पे आ रहा है 1 बार, और 5 पे कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, ये कम है ना, तो जो कम रहता है वो राइट रहता है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आ गया, समझो। अब देखो, नाम लिखते समय पहले मैं इथाइल लिखूंगा फिर मिथाइल लिखूंगा, क्योंकि ABCD जब लिखते हैं तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसी को बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। तो इथाइल कौन से नंबर पे, 3 पे, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे 3 इथाइल। अब मिथाइल कितनी बार है, देखो 2 बार 2 पे और 1 बार किस पे, 5 पे है, 3 बार एक साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, -2 2 5, आया समझ में, 2 पे 2 बार और 1 बार 5 पे, कितनी बार है, ट्राई, 3 टाइम्स, ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो ये क्या हो गया, हेक्सेन। समझ आया अभी ऐसा करने का, ठीक है। गुड गुड, फालतू का नाटक कर रहे हो, कौन सा नाइट वाला, देखे ट्राई करते, ट्राई करते, ट्राई करते, ट्राई करते, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मुझे लगता है कि यही वाला होगा, सिस्टमेटिक, राइट ना, यही वाला लॉन्गेस्ट चेन हो गया। बाकी क्या हो गया, यहाँ पे ब्रांच हो गया, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, राइट ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, पहले इथाइल लिखेंगे हम लोग, कौन से नंबर पे है, 3 पे है, तो वी राइट हियर 3 इथाइल, ठीक है ना, फिर 2 कॉमा 3 डाई मिथाइल, गुड, एक्सेल, सबको समझ में आ गया ये। ऑनलाइन वालों, आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा, हाँ सर, हाँ सर, गुड गुड गुड। चलो आज अकेले बेचारी संभाल रही है सब, रितु नहीं है ना, चलो आगे बोलो, युग आ रहा समझ में, अच्छा कर रहा बेटा, लगा रहा, चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही करता रहेगा तो एक दिन तू भी 4 पे जाएगा। अरे हम भेजेंगे ना तुम्हें, चलो अब सुनो, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, है ना, अब देखना जरा ध्यान से, 10th से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, अब जरा संभालना सब लोग, ठीक है,
थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ला रहा हूं। हाँ डरना मत, एकदम मत डरना। ये देखो CH3, पहले स्ट्रक्चर लिख लो मेरे साथ। हाँ डरो मत, बनाते रहो। अरे अब मांगेगी, मैं दूंगा नहीं। अच्छा, जब बोलेगी पेपर दो, पेपर दो। वाह क्या स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ब्रह्मांड हिल जाएगा। रिकॉर्ड देता हूं उसके साथ। मुझे सिखाना पड़ेगा बेटा, नहीं जल्दी तो नहीं आ जाएगा, फिर भी आप देख लो। कोशिश करने वालों की हार होती है। क्योंकि ऐसा अभी बेसिक चीजें चल रही है, इसके बाद मैं फंक्शनल ग्रुप का स्टार्ट करूंगा, राइट ना, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ दूंगा तो सब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। चलो बोलो। चलिए ये दो डिस्कस करते हैं पहले। हाँ अच्छा वाला क्वेश्चन है, हो गया मेरा तो लिखे हो गया। देखने में तो बहुत प्यारा है, लिखने में कैसा लगा। कितने बजे तक है बेटा लेक्चर, कितने बजे तक है ये? तब तो वार्म अप हो जाएगा। अरे पापा बोला क्या बोलते हैं, कौन सा वाला था? नहीं देखो देख रहे देख देखिए कहाँ पे है, बट हाउ इट इज स्टार्टिंग। हाँ ठीक है, टेंस सही है, थोड़ा सही है। इट्स नॉट थर्ड म्यूटेंट, व्हाट इज थर्ड म्यूटेंट, और क्या होता है जो व्हाट इज टर्शियरी, व्हाट इज टर्शियरी म्यूटेंट। लिसन लिसन लिसन, व्हिच कार्बन इज अटैच्ड टू द मेन चेन, व्हिच इज दैट कार्बन, ऑन दैट बेसिस हम अंडरस्टैंड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये रुक मुझे अग्री नहीं। व्हाट आई एम सेइंग हियर, लिसन लिसन, नहीं लिसन, व्हाट आई एम सेइंग हियर लिसन, व्हिच कार्बन, राइट ना, व्हिच कार्बन अटैच टू मेन चेन, यू हैव टू सी दैट, एनी एनी वन, व्हिच कार्बन अटैच टू मेन चेन,
इफ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस इज द पेरेंट चेन, दिस वन इज योर पेरेंट चेन राइट ना, दिस योर पेरेंट चेन एंड नाउ दिस इज योर ब्रांच, इज इट क्लियर? सो दिस वन इज द फोर कार्बन ना, बट इट्स नॉट कंस्ट्रक्टेड ब्यूटाइल, दिस कार्बन इज अटैच टू दिस मेन चेन ना, सो दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, you can write here, this is your isobutyl. See the name of the alkyl group. Butyl दिया होगा ना बेटा? देखो यहाँ पे सुनो सुनो यार, यहाँ पे देखो 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 यहाँ पे सुनो, अगर मैंने listen listen अगर ये वाला कार्बन अटैच होता है यहाँ पे तो हम लिखते थर्ड ब्यूटाइल, नहीं समझा? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो सुनो, ये मैंने लिख दिया सी सी एस थ्री सी एस थ्री और सी एस थ्री, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है चेन से तो बोलते थर्ड ब्यूटाइल अटैच, तो यहां पे सेकेंड कार्बन में मिथाइल दिस बिकम व्हाट आइसो ना, तो इसको आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे हम लोग, यहां पे वन टू थ्री टू पे मिथाइल ग्रुप है तो कभी भी सेकेंड कार्बन में मिथाइल होता है उसको बोलते हैं आइसो। अब सुनो 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 पूरी बात सुनो, आधा सुन समझो, अब ये टोटल कार्बन कितना है फोर है, तो इसका कॉमन नेम क्या है आइसो ब्यूटाइल, बट ये कॉमन नेम है राइट, कभी कभी ये नेम भी हम लोग यूज करते हैं नॉमिनक्लेचर में, ठीक है बेटा पूरा बता लेने दे ना, दो सेकंड रुक जा, बता लेने दे, वो भी रॉन्ग है आइसोब्यूटाइल को, वो भी रॉन्ग है, इट्स नॉट राइट। अब सुनो मेरी बात ध्यान, तो हम क्या करते हैं कि ब्रांच के ब्रांच का भी आईयूपीएसी नेम करते हैं अलग से, क्योंकि तो ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, यही तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बोल रहा हूं मुझे बता रहे थे। अब देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस केस में क्या करते हैं, जो कार्बन मेन चेन से अटैच है हम नंबरिंग वहां से करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, आई रिपीट जो कार्बन मेन चेन से अटैच है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो ये हो गया वन टू और थ्री, अब टू पे क्या है इसके अंदर मिथाइल है, तो इसका ब्रांच का नाम क्या हुआ मेरा टू मिथाइल प्रोपाइल नॉट प्रोपेन, बिकॉज एक वैलेंसी फ्री है अभी, सो इट बिकम व्हाट प्रोपाइल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वाई एल लगाएंगे इसमें सो इट बिकम व्हाट टू मिथाइल प्रोपाइल, मुझे सिखाने दो, अब समझ में आ गया, so you can write this isobutyl also but normally actual IUPAC name क्या हो जाएगा ये, how to write it now this is also branching, ये भी methyl branch है, ये भी methyl branch है, बोलो अब लिखेंगे कैसे इसमें, सुनो numbering कहाँ से करेंगे, यहाँ से ही करेंगे क्योंकि second से यहाँ पे आ रहे branch पहले, तो वहाँ पे लिखेंगे one two three four five six seven eight nine और ten, इज इट क्लियर? बोलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, पहले ये लिख लेते हम लोग, यहाँ पे क्या नाम है इसका टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल, अब ये कौन से नंबर पे है सिक्स पे, सिक्स दे करके डैश दे करके हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर इसका नाम क्या लिखेंगे टू मिथाइल प्रोफाइल, आर यू गेटिंग अ पॉइंट एंड फाइनल डेकेन, अंडरस्टूड? नहीं इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे ना, यहाँ पे एम है ना, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, हाँ हाँ यस 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 ये नॉर्मली करेंगे, ये समझ में आया आपको? तो ये था ही लिखते पहला इसका ना,
अब देखो इसमें कभी कभी देखो, अगर मेरे इसमें कहीं डाई आ गया, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो क्या बता रहा हूँ, देखो सुनो पहले क्या लिख रहे हो। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो, सेकंड एक 11th एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। नंबरिंग यहां से करेंगे हम लोग, ब्रांच का नाम बता रहा हूं मैं, 1 2 3, 2 पे दो बार मिथाइल है ना, हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, डी लगाएंगे ना। नॉर्मल चेन में जब हम डाई ट्राई लिखते हैं तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मेन नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ब्रांच में डाई आ गया, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये डी भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नहीं समझे, समझो मैं। हाँ देखो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, चलो ये चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट है ना, और ये मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ब्रांच, इसके अंदर ये भी और ये भी है, ये समझ में आ गया, ये पूरा मेरे पास ब्रांच है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस ब्रांच का नाम लिखूंगा। नंबरिंग तो कहीं से करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम आ रहा है, कहीं से भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट है, बोलो। अब सपोज एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, कि यहां पे इसको हटा करके मेरे पास एक मिथाइल अटैच होता तो मैं क्या करता। नहीं, नंबरिंग तो यही है, अब यहां पे 1 2 3 4 पे आ जाएगा, तो यहां से स्टार्ट कर देते, राइट ना, बोलो। चलो मैंने इसको हटा दिया यहां पे, हाँ चलो नंबरिंग जो है वही रहने देते हैं, नंबरिंग को चेंज नहीं करते। ये यहां पे हम लोग लगा दिए एक CH3, ठीक है, बोलो। ये हो गया ब्रांच, अब नंबरिंग ऐसी रहेगी। अब मुझे ये देखना है कि मुझे क्या, कौन सा पहले लिखना है, ये वाला या फिर ये वाला। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा बेटा यहाँ पे। अब सुनो, नंबर यहां से करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट से ले लिया, 2 पे मिथाइल आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, अंडरस्टूड, बोलो ना। हाँ, अब ये डी भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला डी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कर रहे थे, बट ये वाला डी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि पूरा नाम है ये, समझा ना, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये 2 टाइम्स ये ब्रांचिंग या 3 टाइम्स, और ये पूरा का पूरा ब्रांच का नाम है, तो दिस डी आल्सो कंसिडर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पे अगर डी हमें पहले लिखना पड़ेगा, मतलब ये नाम पहले आएगा फिर मिथाइल आएगा, समझ में आया। हाँ, तो अभी क्या नाम लिखा है यहाँ पे, 5 डैश, नहीं डी और ट्राई, डी डाई ट्राई, हम लोग डी और टी नहीं कंसिडर करते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नाम होगा इसका, 2 2, ये डाई लेके कैपिटल लेटर, राइट ना, डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज देन डैश 4 वाला मिथाइल देन नॉनेन, अंडरस्टूड। अरे हेलो,
तुम नियो पेंटाइल डाल सकते, राइट ना? बोलो बेटा। वो ये सब लिख लो अपने हिसाब से लिख लो। हाँ, रूल जितने भी बता रहा हूँ अपने हिसाब से अपने स्टेटमेंट में लिख लो जो आपको बेटर समझ में आए। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलो अब मैं एक देने जा रहा हूँ मस्त एकदम। हाँ चलिए, ये वाला चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए, सब लोग ट्राई करो खुद से। हाँ लिखो ना 11th वाला। फोर मिथाइल फाइव नियो पेंटाइल नॉन एन भी दे सकते हैं, बट नॉर्मली नियो अगर हम लोग नहीं लेते। चलो एक देखो 12th वाला बता रहा हूँ मैं लिखता हूँ तो रिवील करता हूँ, बताओ। गुड। दिस इज चैलेंजिंग क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू ट्राई इट। क्या बोल रही हो? लिख दे बेटा, लिख ना अंग्रेजी में, लिख ना उसको। थर्टीन ऑल्सो तानिया हो भी गई। तानिया गुड, हो सर। लगी रहो। आ रहा है समझ में? तुम हाँ सर। बोल नहीं रही हो, वैसे भी कहाँ बोलती हो। क्यों नहीं आई आप आज? तबीयत ठीक नहीं है सर। तू 9th वाली सानिया है ना? आज मुझे पता चल गया तूने मैसेज किया था। हाँ सर। अरे मैं सोचा था मुझे लगा कोई और है, तूने मैसेज किया जब ना तब मुझे पता चला कि हाँ अरे ये तो वही सानिया है। हाँ हाँ सर, आप ऑर्गेनिक सिखाते थे। अभी भी तो वही सिखा रहा हूँ। चलो ये लिख, चलो ये दो क्वेश्चन ट्राई करो आपका मजा आ जाएगा। फिर फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स के इतने स्ट्रक्चर करके फिर फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा होमवर्क, थोड़ा होमवर्क देने का सोच रहा हूँ। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सीएस है, सब है। गुड, तेरी सिस्टम कहाँ पे ज्वाइन की? बोलो उसको क्लास आने के लिए, कब से मिल जाएगा वो मुझे? स्टार्टिंग का 11th है। हाँ पता ही ना है ना, इस वाला चालू है तेरे घर के बगल में जीवीएम करके ना, अभी चेंज कर लूंगा नाम, साइंस एकेडमी हो जाएगा। आ जाओ क्या? चलो ट्वेल्व। हाँ ये सब लोग 2 मिनट उठ गए।
12 और हो गया ना, गुड। 13 ट्राई करो, 13 ट्राई करो। गाना अरे मैं गाना गा रही बेटा, 1 2 3 4 5। ये आज कुछ पूछा नहीं मुझसे, 7 4 क्वेश्चन कहाँ गया ये? हरदेव यस यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ आ रहा है समझ में आपको बेटा? ठीक हाँ सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सही, है गुड। 12th वाला कैसे होगा? हाँ 12th वाला कैसे होगा? हाँ मैं बताता हूँ ना, लोग ट्राई कर रहे हैं ना, सबको ट्राई करने दो। मैं बता 12th 13 दोनों कर लो, फिर डिस्कस करते हैं ना मस्त एकदम। में डाई है वो ब्रैकेट के अंदर है ना, अब ये समझ लो कि ब्रैकेट के अंदर वाला डी है, तो कंसीडर करेंगे अल्फाबेट के अंदर डी डाई। हाँ राइट, बाहर है तो नहीं। चले गुड गुड, आदित्य एक्टिव हो चुका है। फालतू का लड़ रही है। हाँ थोड़ा आराम कर दे, दौड़ भाग के आए बेचारा पढ़ने के लिए, तो भगा देगी उसको। हाँ बताओ तो, क्या उड़ के आएगा वो? ये क्वेश्चन करो।
हाँ सुनो, लिसन, ट्वेल्थ वाला डिस्कस करते हैं राइट नाउ। व्हाट इज द राइट चेन सुनो, मेरे हिसाब से ना, सुनो बेटा, मेरे हिसाब से ये वाला चेन लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। अच्छा सर, राइट है ना। अब सुनो मेरी बात सुनो, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, ये भी देखो, ये भी देखो। आप लोग कह रहे हो कि ये वाला भी हो सकता है, राइट ना, बोलो ना, यही कह रहे हो ना। चलो ये भी चांसेस हो सकते हैं आपके पास। हाँ यही ना, अगर मैंने ये लिया, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों से सेम आ रहा है। और अगर दोनों से सेम आता तो मैंने क्या सिखाया था कि जिसमें ब्रांच ज्यादा आएगा वो लेंगे आप। अगर आप स्ट्रेट चेन ले रहे हो तो दो ही ब्रांच आ रहा है, एक ये और ये एक ये। लेकिन अगर आपने ये वाला ले लिया बेटा, तो यहाँ पे ये एक दो और तीन ब्रांच आ रहे हैं। जोर का झटका लगा, देखा ना। सुनो बेटा, तो ये देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, ब्रांच हो गया, राइट ना। ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा ब्रांच हो गया, राइट। ये भी ब्रांच हो गया और ये भी ब्रांच हो गया। नंबरिंग तो डेफिनेटली यहां से करेंगे क्योंकि तो नजदीक आ रहा है, तो कोसों दूर है। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ गया। अब सुनो, अब सुनो, मिथाइल तो बहुत ही आसान है, इसको तो मिथाइल मिथाइल लिख देंगे हम लोग। लेकिन बेटा इसका नाम क्या है, नंबरिंग यहां से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन 1, सुनो सुनो सुनो, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बेटा, इथाइल है। तो इस ब्रांच का नाम क्या हो गया, पूरे के पूरे इस ब्रांच का नाम क्या हो गया, यस, व्हाट विल आई डियर, 2-इथाइल-ब्यूटाइल, वेरी गुड। तो अब देखो ये मिथाइल है, ये टू, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इथाइल वाला पहले लिखेंगे ना हम लोग, बोलो ना। हाँ तो कौन से नंबर पे हो, 5 पे है ना, तो लिखेंगे 5-2, क्या लिखेंगे, इथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज डैश 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे, डेकेन, अंडरस्टूड, सही है ना, बोलो। जो आपने रॉन्ग लिखा उसको बस एक बार कट मारो, हाँ रफ मत कर उसको, रहने दो, बाद में आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। डोंट रफ इट, हाँ, तो आपको बाद में सीखने के लिए वो ये अच्छा रहेगा। बोलो, देखो मेरे पास दो चेन आ रहे हैं 10-10 कार्बन के, राइट। तो मुझे वो वाला चेन एज अ पेरेंट चेन लेना है जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। तो अगर मैंने स्ट्रेट चेन ले लिया तो उसमें दो ही ब्रांचिंग आ रही है, और ये वाला चेन ले तो उसमें तीन ब्रांचिंग आ रही है। ये एक दो और ये पूरा तीन, ठीक है ना। बोलो, यस राइट, 2,2 है ये, 1,2 होगा ना बेटा, एक ही कार में सेम पड़े तो नहीं है, दोनों दोनों। देखो बेटा यहाँ पे क्या बताया था, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है मेरे पास, स्ट्रेट वाला ही है ना।
लॉन्गेस्ट चेन, बाकी क्या बच गया मेरे पास, ब्रांच, ये मेरे पास ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, सही है ना। चलो शुरू करते हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चा, हाँ कहीं से भी करेंगे तो सही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो ये क्या, अब देखो पहले नाम लिखो, बोलो क्या हुआ। हाँ थाई, थाई। हाँ नंबर नंबर ऑफ ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है। अब यहां से देखें, देखो यहां पे कैसा हो रहा है, इसका नाम क्या होगा, पहले इसका नाम लिख देता हूँ मैं। हाँ इसका नाम हो गया 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, सही है ना। अब सुनो, इसके नाम में क्या आ रहा है, डी, और इसके नाम में क्या आ रहा है, ई, हम लोग इसको फिर करते हैं। अब समझ में आ गया, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10, अब अरेंज कर लेंगे। लिखने तो आपको आता ही है, 5 कॉमा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, 1 कॉमा 2 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, सही दोनों साइड से नंबरिंग का ब्रांचिंग सेम आएगा, दोनों साइड से नंबरिंग पे ब्रांचिंग तो सेम पोजीशन पे आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से किया, 1 2 3 4 5 किया, राइट ना। अब जब दोनों जगह सेम आ रहा है तो क्या देखेंगे, कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा है, उससे मतलब नहीं, पूरा ब्रांच मैंने एक ही लिया ना उसको, ठीक है। हाँ अरे अभी 5 और दूंगा मैं, अभी अभी आप लोग परफेक्ट कहाँ हुए, है ना, अभी आपको परफेक्शन चाहिए ना। और ये अभी अभी सिंपल चीज है, एकदम सिंपलेस्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं, फटाफट कर लेंगे आप, हाँ दे दो ना, चलो नोट डाउन करो फटाफट। तेरे पास बंदूक है, अच्छा तो जल्दी जल्दी लिखो, अरे पिल्ले बाद में करो छठी मिठाई, क्या कर रही हो, वाह वाह। यहाँ पे मैं नॉमिनेटर बता रहा हूँ इनको, अभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ये गेम देख रहे हैं, घनघोर कलयुग। अब देखो इसका इंटरेस्ट जाग गया, मैंने तो पूरा डिफिकल्ट दे रहा हूँ। अच्छा
बोलो बेटा। यस यस अरे यस बिल्कुल, मैं अच्छे से लिखता हूँ। देखो सी ब्रैकेट सी एस 3 3 टाइम्स, हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ यस यस सर, टू 30 ना? हाँ चलेगा, ठीक 2:30, 4:30 तक। ठीक है देख लीजिए कैसा लगता है। अच्छा चलेगा चलेगा। पीरियोडिक टेबल? हाँ बट सर एक्चुअली क्या है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनको कुछ समझ हो गया बेटा, ट्राई करोगे ना? HG नहीं होता बेटा, H9 है वो। जी कहां से आ गया? मर्क्यूरी लेके मैं काम करूंगा, अद्भुत विडंबना है। मैं मर्क्यूरी लेके कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा? नाइनटीन, अब लो, अब मेरा दिमाग खुला, अब तब बंद हो जाएगा। रुको रुको रुको, मुझे लिखने दो। एक ही चीज को सब लोग अलग अलग पूछ रहे हैं।
नहीं, पहले देखते हैं कि ब्रांच किस साइड से नजदीक आ रही है। कोई भी रहने दो। हाँ, दोनों साइड से अगर इथाइल और मिथाइल सेम पोजीशन में आए तब फिर मिथाइल इथाइल देखते हैं। हाँ चलो, और इस साइड या ट्वेंटी देखो, कौन याद कर रहे हैं? आदित्य पापा याद कर रहे हैं? बताया नहीं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ? ठीक है, चलो ये ऐसा होमवर्क करेंगे हम लोग कि मैं कंटिन्यू करूँ अभी। हाँ, वही तो करने वाला हूँ, डिस्कस करूंगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में डेडी क्या? तो सर भेजते हैं। पहले खत्म होने दो लेक्चर। ये हो गया बेटा सबका, सभी खत्म कर लिया। ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, ये होमवर्क रहेगा, आप करके आओगे नेक्स्ट टाइम? ट्राई करना। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ अच्छा, हाँ, बोलिए।
अच्छा मैं सैनिक, यही नंबर है ना आपका? मैं सैनिक या हो जाएगा बेटा, आप लोगों ने कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ये कर लोगे ना? बोलो वाले बोलते नहीं कुछ। तानिया नोट डाउन किया आपने? तानिया, प्रिशा, हरदेव, हैव यू नोटेड दिस? हाँ सर, किया। यस सर। हाँ चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट टाइम इसको होमवर्क करके लेके आओ, फिर डिस्कस करते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ ओके सर, सो क्लास खत्म। अभी क्लास खत्म करते हैं। ओके सर, बाय सर। अरे रुको एक मिनट।